उत्तराखंड के कोटद्वार में एक युवती के साथ हुए बलात्कार को पुलिस ने दबाने की कोशिश। पीड़ित की कड़ी मुशक्कत के बाद सच्चाई आई सामने। पुलिस ने आरोपी विनोद सिंगल को किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि अब से एक साल पूर्व जीएनएम की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ मेडिकल स्वामी विनोद सिंगल ने नशे की गोली खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया था और जब वो होश में आई तो वह बंद कमरे में अकेली थी। वहीं छात्रा का आरोप है कि जब वो अपने घर आई तो उसके व्हाट्सएप पर कॉल आती है और मेडिकल स्वामी विनोद सिंगल कहता है कि मैंने तेरा गंदा एमएमएस वीडियो बना लिया है, या तो मेरे पास आ जा वरना इसको पब्लिक में वायरल कर दूंगा। जिसके बाद लड़की को विनोद सिंगल नाम के व्यक्ति ने 7 से 8 बार छात्रा को अपने पास बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं छात्रा का आरोप है कि जब उसने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने मामले को दबाने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन केस के मेन विटनेस मोहम्मद अशरफ ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी केस में और आज इंसाफ दिला ही दिया। इसके चलते हाईकोर्ट ने अशरफ को सुरक्षा भी प्रदान कर रखी है। एक साल पूर्व बीत जाने के बाद आरोपी विनोद सिंगल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भाई कल विनोद सिंगल की गिरफ्तारी हुई है, इसमें आप विटनेस है, इसकी सारी घटना बताइए क्या है। घटना सर ये है कि इस लड़की के साथ 7 जून 2021 को रेप हुआ था, इसमें मैं आई विटनेस हूँ। और इस लड़की ने 8 जून 2021 को उसके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसका कहना था कि 7 जून 2021 को जिस दिन मैं उसे घर छोड़कर गया था, जिस दिन उसके साथ रेप हुआ था, पुलिस उसे थाने लेकर गई और अभियुक्त के पक्ष में बयान लिए। बयान लेने के बाद उसे डराया धमकाया गया कि तेरे दोनों भाई को जेल भेज देंगे और वीडियो बनाकर उसके पक्ष में अभियुक्त के पक्ष में बयान लेकर के इसमें 11 जून 2021 को कोई सॉरी 11 जुलाई 2021 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी, जिसमें वादनी आसिफ परवीन ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की थी, जिसमें न्यायालय द्वारा 20 अगस्त 2022 को पुनः विवेचने का आदेश पारित कर दिए गए थे। इसमें जांच सतपुली की उप निरीक्षक दीपा शाह कर रही थी, जिसमें मेरे बयान 6 दिसंबर 2022 को हुए हैं और कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की इसमें जो गलत भूमिका रही है वो ये थी कि लड़की को थाने पर लेकर जाया जाता है और लड़की को डरा धमका कर थाने पर अभियुक्त के पक्ष में बयान लिए जाते हैं वीडियो बनाकर, उसी को आधार बनाकर पुलिस ने इसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। अब इसमें पुनः विवेचना चल रही थी, पुनः विवेचना में जो सत्य थे वो सामने आए हैं और इसकी कल गिरफ्तारी हुई है। मैं इसमें विटनेस था, पुलिस ने यहाँ तक भी ऐसे काम किए जो कि नहीं करना था, मेरी पत्नी से मेरे पर दबाव बनाने के लिए ताकि मैं केस से पीछे हट जाऊँ, गवाही से पीछे हट जाऊँ। मुझे जेल भेजा गया, देश का मुकदमा मेरे पर किया गया, यहाँ तक कि जिस केस में मैं गवाह हूँ उनके सारे परिवार के नाम, आसिफा जो वादनी है इसके अंदर, उनके सारे परिवार के नाम लिखवाकर मुकदमे कायम किए गए हमारे ऊपर, जो कि अब हाई कोर्ट से भी निरस्त हो गए वो मुकदमे। तो इसमें पुलिस की सारी लापरवाही रही है और कहीं ना कहीं उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईयू ने कहा कि कोई क्राइम नहीं हुआ और दूसरी आईयू उसे जेल भेज रही है। आप जाहिर से इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने कितना उस लड़की के साथ गलत किया और कितना ही मेरे साथ गलत किया है। जी क्या नाम है? आसिफा परवीन। क्या मामला है? मामला ये है 7 जून 2021 को मेरे साथ नशा करा कर रेप किया जाता है, जो कि वो काफी समय से करता चला आ रहा है, जिसकी वो मुझे धमकियां देता था कि अगर तू किसी को बताएगी तो तेरे समाज में बदनाम। किसने किया था रेप? विनोद सिंगल नाम का व्यक्ति है जिसने मेरे साथ रेप किया था, और जिसमें मेरा भाई मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे और वहाँ एक विटनेस आई विटनेस है वो, जिसने उन्हें मेरे साथ रेप करते हुए देखा। तो विटनेस द्वारा मेरे भाइयों ने के द्वारा घर भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद कोटद्वार पुलिस महिला पुलिस समिति मेरे घर आती है, मुझे बिना कारण बताए वह मेरे भाइयों को बिना कारण बताए थाना कोटद्वार ले जाती है, जहां पर मेरे भाइयों को हवालात में बंद कर दिया जाता है और मेरे को एक कमरे में बैठा दिया जाता है, जिसमें मुझे डरा धमका कर विनोद सिंगल के पक्ष में बयान लिए जाते हैं, वह वीडियो बनाई जाती है, उसी को आधार बनाकर अंतिम रिपोर्ट लगा दी जाती है, जिसमें मैंने माननीय अंतिम रिपोर्ट कब लगाई? अंतिम रिपोर्ट 11 जुलाई 2021 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी जाती है, जिसमें माननीय न्यायालय से मेरे पास नोटिस आता है और मैंने उसमें आपत्ति दाखिल की है।
20 अगस्त 2022 को पुनः विवेचना के आदेश पारित किए गए। माननीय न्यायालय ने पुनः विवेचना के आदेश पारित किए गए हैं, जिसकी जांच कोटद्वार से न कराकर दीपा शाह सतपुली से जांच की जा रही है, जिसमें शुक्रवार को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें मेरे व मेरे विटनेस व मेरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर वो जो मुकदमे किए गए थे वो निरस्त भी किए जा चुके हैं।